Good morning, kids. Welcome back to the English classes. Today we will study the fifth poem of your honeysuckle book. That is, where do all the teacher go? मतलब कि ये poem जो है that will tell you about where all the teacher go. ये एक query है poet की कि जो भी teachers हैं वो कहाँ चले जाते हैं. जो भी स्मॉल किड्स हैं उनके लिए अपने टीचर्स बहुत स्पेशल होते हैं. इवन फॉर यू ऑल, अब तो जैसे कोविड का टाइम है तो आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं फ्रॉम दी ऑनलाइन क्लासेस. आप लोग बहुत फैमिलियर भी हो चुके हो फ्रॉम दी व्हाट्सएप्स एंड ऑल, फ़ोन काफ़ी फैमिलियर हो चुके हो. बट जो स्मॉल किड्स होते हैं उनके लिए अपने टीचर्स बहुत ही स्पेशल होते हैं. सो देयर इज़ अ क्वेरी ऑफ अ स्मॉल पोएट. He want to know where and which kind of life their teacher live. उनके टीचर किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं, क्या वो भी उनकी तरह अपने कपड़े धोते हैं या नॉर्मल काम करते हैं या वो बिल्कुल अलग तरीके के होते हैं. तो दिस पोएम विल डिस्क्राइब ऑल अबाउट दैट. उसी के बारे में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे. ओके, सो दिस पोएम इज़ रिटन बाय Peter Dixon. Now, I will read the poem here. Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? That child, who got wondered. वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि 4 बजते उसके टीचर चले कहाँ जाते हैं. Do they live in the house and do they wash their socks? क्या वो भी किसी घर में रहते हैं, क्या वो भी common people की तरह काम करते हैं, क्या वो भी अपने socks को wash करते हैं? So, the child poet wants to know all these things. Do they wear pajamas and do they watch TV? क्या वो भी TV देखते हैं, क्या वो भी pajamas wear करते हैं? And do they pick their nose the same as you and me? क्या वो भी अपनी नोज ऐसे ही पिक आउट करते हैं जैसे मैं और आप करते हैं? डू दे लिव विथ देयर अदर पीपल, हैव दे मम्स एंड डैड? क्या वो भी अदर पीपल की तरह रहते हैं, क्या उनके भी मदर और डैड हैं, मम्स और डैड्स हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बैड? क्या वो भी कभी बच्चे थे, क्या वो भी कभी बैड थे? इट मीन्स उन्होंने भी कभी डांट खाई है? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? डिड दे एवर मेक मिस्टेक? क्या उन्होंने भी कभी स्पेलिंग गलत लिखी है, क्या उन्होंने भी कभी मिस्टेक की है? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स? मीन्स क्या उनको भी कभी सज़ा मिली है, क्या उनको भी कभी कोई स्पेलिंग गलत किया है, क्या उन्होंने भी कभी कॉर्नर में खड़े हुए हैं क्लास के कॉर्नर में? सो इस तरह की जो क्यूरियोसिटी है दैट इज़ शोन बाय अ स्मॉल चाइल्ड. डिड दे एवर लॉस देयर हाइम्स बुक? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? डिड दे एवर स्क्रिम्बल ऑन द डेस्कटॉप? डिड दे एवर वियर डर्टी जीन्स? क्या उन्होंने भी कभी अपनी बुक खोई है, क्या उन्होंने भी ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से मना किया है, क्या उन्होंने भी कभी वाइट डेस्कटॉप पे कुछ भी लिखा है ऊटपटांग, क्या उन्होंने भी ओल्ड डर्टी जीन्स को पहना है? तो इस तरह की क्यूरियोसिटी इट इज़ शोन बाय अ स्मॉल चाइल्ड. आई फॉलो वन बैक होम टुडे. आई फाइंड आउट वॉट दे डू. I'll put in it in a poem that they can read to you. तो आज मैं बिल्कुल एक किसी टीचर को फॉलो करूँगा घर जाते हुए और मैं बिल्कुल ये फाइंड आउट करूँगा कि वो कहाँ रहते हैं और कहाँ जाते हैं और फिर उसको पोम में मेंशन करूँगा. मतलब ये एक इस तरह की कोई कविता लिखूँगा जिसमें वही टीचर्स आपको पढ़ाएंगे सुनाएंगे कि वो जाते कहाँ हैं. ठीक है, सो दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्यूरियोसिटी ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड विच ही हैज शोन इन द
or which he has shown in the creativity level of his poem. So this is all about this poem. I hope you all understood that. This is the summary. You can read it. And I hope all these points are clear to you all. Thank you so much.